आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इस समय कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मेरा विश्वास होगा कि कहीं ना कहीं आप लोग पूरी तरह से अपने कार्य के प्रति समर्पित होंगे, क्योंकि संसार में आए हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपना इतिहास बनाकर जाना ही चाहिए, अपनी पहचान बनाकर जाना ही चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यदि संसार में आए हो, मैथिली शरण गुप्त साहब जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, ये उनकी पंक्तियां हैं। पंक्तियों को पढ़ने के साथ ही शरीर में कुल नाके कहने की धमनियों का रक्त बड़ी तेजी से बहने लगता है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि संसार में जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उन्होंने इतिहास का निर्माण किया है। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। पहाड़ से निकलने वाली नदी यह नहीं देखती है कि कुल नाके किसी से नहीं पूछती कि रास्ता कहां पर है। आप ये देखिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियां ये कुल नाके ये नहीं पूछती है कि समुद्र कहां है, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती हैं। व्यक्ति को जीवन में आने के पश्चात अपना रास्ता स्वयं तय करना पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त की लाइनें मुझे दिल को कहीं कहीं छू जाती हैं कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैं आज कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस साहब को पुनः लेकर आया हूं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का वास्तविक हीरो, रियल हीरो जिसको हम कह सकते हैं। भले किताबों में कुल मिलाकर किसी को महान बनाया जाए, लेकिन हिंदुस्तान के दिलों पर राज, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर अगर राज करेंगे तो भारत के क्रांतिकारी करेंगे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, प्रफुल्ल चाखी जैसे लोग करेंगे, या कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे नेताजी जैसे लोग करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि नेताजी कुल नाके कहने के कल का पार्ट आप लोगों ने सुना होगा, तो आपको मालूम है कि नेताजी इस समय जर्मनी में मौजूद हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नेताजी कितना जो है किस तरह से कष्ट झेले हैं, किस तरह से षड्यंत्र उनके खिलाफ किया गया और अंततः उनको भारत छोड़ना पड़ा। और नेताजी जर्मनी पहुंचे, जर्मनी में हिटलर से मुलाकात हुई। मैंने कल कहा था कि वहां फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना उन्होंने की, फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना तैयार की, और वहां पर ही कुल नाके कहने की उनको नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया गया। संबोधित वहां के सैनिकों ने किया, और वहीं पर कुल नाके आम लोगों का यानी कि सैनिकों के बीच में अभिवादन के लिए नारा अमर किया गया, जय हिंद, जो आज भी हिंदुस्तान की आर्मी की पहचान है। और साथ में आपको कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं यहीं पर एक तिरंगा झंडा यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के झंडे का भी कुल नाके निर्माण करवाया। वह तिरंगा झंडा ही था, बस फर्क यह था कि उस झंडे के बीच में चरखा नहीं था। यानी जो तीन कलरों में जो तिरंगा कांग्रेस का है, जो उस समय की कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, उसके बीच में चरखा हुआ करता था। उस चरखे की जगह एक तरह से उछलता हुआ शेर, उछलता हुआ सिंह उस चरखे की जगह लगाया गया। यह कुल नाके राष्ट्रीय आंदोलन में आजाद हिंद फौज का जो योगदान है उसके लिए एक चिन्ह है। तो कुल नाके वहां पर राष्ट्रीय झंडे का भी एक निर्माण किया जा रहा है जिस पर चरखे की जगह सिंह है। और इस तरह से कल मैंने कहा था कि नेताजी इस समय जर्मनी में है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, हिटलर ने कहा था इशारे में कि इस समय आप थोड़ा जापान से सहयोग लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जापान आपके बगल में है और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान एशिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर चुका है, नो डाउट। अब थोड़ा सा मैं यहां बात बात करना चाहता हूं कि अगर मैं जापान में जाना चाहता हूं तो जापान को समझने की एक बात जरूरत है, क्योंकि दिल्ली षड्यंत्र केस का एक हीरो है, वही दिल्ली षड्यंत्र केस जिसमें लॉर्ड हार्डी के ऊपर बम फेंका गया, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस दिल्ली षड्यंत्र केस का ताना बाना बुनने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रास बिहारी बोस,
और रास बिहारी बोस इस प्रकार से कुल मिलाकर किसी तरह से बच के, क्योंकि इसमें चार लोगों को तो फांसी हो गई थी, बसंत विश्वास, अमित चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, लेकिन रास बिहारी बोस यहां से बचकर निकल गए। रास बिहारी बोस हैं, ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस जो है बचकर निकल जाते हैं और अंततः वो धीरे धीरे इधर उधर करने के बाद जापान पहुंच जाते हैं। और 1915 में वो जापान पहुंच गए और जापान पहुंचने के पश्चात अब उन्होंने ये प्लान बनाया है कि साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी भारतीय रह रहे हैं उनको संगठित किया जाए और संगठित करके अंततः हिंदुस्तान के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति की जाए। यानी विदेशी धरती पर जिस प्रकार से सुभाष का कहीं ना कहीं विजन है कि विदेशी धरती पर रहते हुए हमको किसी भी कीमत पर सशस्त्र क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ करना है, वही चीज रास बिहारी बोस भी करना चाहते हैं। और इसीलिए रास बिहारी बोस वहां पर धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया में अपनी पकड़ बना रहे हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में जब रास बिहारी बोस पकड़ बना रहे हैं तो थोड़ा समय आपको लेकर जाना चाहता हूं। धीरे धीरे रास बिहारी बोस वहां पर काम कर रहे हैं और इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। यानी 1939 में कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक तरफ जर्मनी है, जापान है और इटली है, दूसरी तरफ मित्र देश है, यानी इंग्लैंड मित्र देशों में है। तो जापान और इंग्लैंड इस युद्ध में आमने सामने है। तो जापान धीरे धीरे, आपको मालूम होना चाहिए कि जापान जो है पूरब में है, तो जापान जब पूरब में है तो इसने धीरे धीरे भारत पर हमला करने का प्लान बनाया। किसने? जापान ने। तो भारत से उसकी दुश्मनी जापान की नहीं है, क्योंकि जापान में अंग्रेजों का उपनिवेश है। भारत में अंग्रेजों का उपनिवेश है, यानी भारत में अंग्रेज शासन कर रहे हैं, इसीलिए अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए जापानी धीरे धीरे कुन्ना के भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में इनको अंग्रेजों के बहुत से द्वीप थे जिन पर इनका कब्जा था, जैसे इन्होंने मलाया को जापानियों ने जीत लिया। और जब मलाया को जापानियों ने जीत लिया उसके बाद फरवरी 1941 में कुल मिलाकर उन्होंने और क्या जीत लिया? सिंगापुर जीत लिया। तो इस प्रकार से जापानियों ने क्या किया है कि जब मलाया जीत लिया और सिंगापुर जीत लिया, ये दोनों किसके पास थे? अंग्रेजों के पास थे। तो यहां पर बहुत से भारतीय जो कुल मिलाकर सैनिक हैं जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना कहां काम कर रही है, अंग्रेजों क्या काम कर रही है। मैंने आपको बात कहा था कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे, भारतीय लोगों ने उनका सपोर्ट किया। तो इस तरह से कुल मिलाकर मलाया में और सिंगापुर में जब जापानी सेना ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया तो उसमें ज्यादातर भारतीय सैनिक थे, उनको बंदी बना लिया गया। उसी में एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है कैप्टन मोहन सिंह। क्या नाम है? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने कुल मिलाकर आत्मसमर्पण कर दिया। और कैप्टन मोहन सिंह जब आत्मसमर्पण कर देता है तो अंततः वहीं कर जापानी कमांडर जो है जिसका नाम है मेजर फुजीहारा ने कहा कि देखो भाई, अगर तुम अपने देश के लिए लड़ो तब तो तुमको छोड़ें, तुम अपने देश के लिए संघर्ष करो यार। इसी समय कुल मिलाकर एक और व्यक्ति का नाम आता है जिनका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में बहुत बड़ा रोल है, ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीहारा के समझाने के पश्चात अंततः कुल मिलाकर कहने के कैप्टन मोहन सिंह ने इस तरह से आजाद हिंद फौज, जिसका पहले नाम INA था, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी INA को बनाने का निर्णय लिया। इस तरह से INA को बनाने में कुछ लोगों का योगदान है, जैसे कैप्टन मोहन सिंह की हम बात कर सकते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल है। और किसका रोल है? इसी प्रकार से ज्ञानी प्रीतम सिंह का है, क्योंकि ज्ञानी प्रीतम सिंह भी तो समझा रहे हैं, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह का रोल है। और किसका है? तो मेजर फुजीहारा का है। तो मेजर जो फुजीहारा था, जो कहां का था? कुलना के मैंने अभी कहा कि जापान का है, तो मेजर फुजीहारा, ये तीन लोगों ने और असंख्य गणमत हजारों की तादाद में जो भारतीय युद्धबंदी थे इनको मिलाकर अंततः कुलना के कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज यानी INA का निर्माण किया गया। अब जब INA का निर्माण हो जाता है, थोड़ा समझने की जरूरत है, तो इसी समय एक घटना घटित हो जाती है कि कुल मिलाकर कहने की मोहन सिंह और जो INA के सैनिक थे इनका कुल मिलाकर कहने कहीं जापानियों से टकराव हो जाता है, जापानियों से मतभेद हो गया। और जापानियों से जब मतभेद हो जाता है तो अंततः जापानियों ने कैप्टन मोहन सिंह को बंदी बना लिया और आजाद हिंद फौज यानी इस INA को भंग कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, INA बनी है, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनी है, ज्ञानी प्रीतम सिंह उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, मेजर फुजीहारा का भी सपोर्ट है, लेकिन बाद में कुल मिलाकर जो INA के सैनिक थे उनका जापानियों से किसी विषय को लेकर मतभेद हो गया और अंततः कुल मिलाकर इस कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है जापानियों के द्वारा, इस INA को भंग कर दिया जाता है। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है और जिसका नाम है रास बिहारी बोस।
मैंने अभी कहा कि रास बिहारी बोस इस प्रकार से इस समय कहां पर हैं? रास बिहारी बोस इस समय जापान में है, और रास बिहारी बोस ने दोबारा आईएनओ का पुनर्गठन किया है, यानी जो आजाद हिंद फौज या आईएनए जो कुलना के भंग हो गई थी अभी, उसको दोबारा पुनर्गठित करने का काम किसने किया? रास बिहारी बोस ने किया। और इस तरह से रास बिहारी बोस एक तरीके से आईएनए के अब इस समय प्रमुख बन चुके हैं, क्योंकि अब आईएनए को वो संगठित कर रहे हैं। अब धीरे धीरे होता क्या है कि कहीं ना कहीं इस समय रास बिहारी बोस को लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को आपस में जोड़ा जाए जो भारतीय लोग हैं, और देश की आजादी की अलग जगाई जाए। तो इसी समय कुलना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मार्च 1942 में मैं आपको जाना चाहता हूं, इसी समय कुलनाके वो एक सम्मेलन करते हैं। कहां पर? टोक्यो में। कौन करता है? इस प्रकार से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने एक सम्मेलन किया और वहां साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को बुलाया और कहा कि भाई हमें देश की आजादी के लिए एक संगठन बनाना चाहिए। तो वहां पर एक अनाउंसमेंट होता है IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी भारतीय स्वतंत्रता लीग के गठन का अनाउंसमेंट हुआ, अभी गठन नहीं हुआ है। तो IIL की गठन की घोषणा होती है, और इसी समय कुलनाके मार्च 1942 के बाद जून 1942 में जो बहुत इंपॉर्टेंट रास बिहारी बोस ने कुलनाके जो सम्मेलन बुलाया है, जून 1942 में इन्होंने सम्मेलन बुलाया बैंकॉक में। पहला कौन सा बुलाया मार्च 1942 में? टोक्यो में। अब यह बुला रहे हैं बैंकॉक सम्मेलन। बैंकॉक में कहीं ना कहीं जापान, बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों के बहुत से भारतीय इस बैंकॉक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, और बैंकॉक सम्मेलन में जब भाग ले रहे हैं तो यहीं पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण बैंकॉक सम्मेलन में हो रहा है। इसी समय कुलनाके मैंने क्या कहा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए, ये दोनों की कमान इस समय किसके पास है? रास बिहारी बोस के पास है। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और कुलनाके यहां पर आईएनए जब बन जाती है, तो यहीं पर कुलनाके बैंकॉक सम्मेलन में ही रास बिहारी बोस थोड़े वृद्ध हो गए। अब उनको लगता है कि यार इसकी कमान किसी युवा को सौंपी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी निगाह में है कि कौन? जो जर्मनी में शेर बैठा हुआ है, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस है। और अंततः रास बिहारी बोस सामने, अंततः यहीं बैंकॉक सम्मेलन से उनको निमंत्रण भेजा। किसको भेजा? इस प्रकार से सुभाष बाबू को भेजा जाता है। वो इस निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस प्रकार से वो जापान जाने का निर्णय करते हैं, क्योंकि हिटलर ने भी कह दिया कि भाई बगल में जापान है, वो आपकी ज्यादा हेल्प करेगा। ये बात यहां से ठीक है, और देखिए यहां से आपको कॉल भी आ जाता है। तो इस प्रकार से अब जो जर्मनी में कौन थे? सुभाष बाबू थे। तो जर्मनी में से सुभाष चंद्र बोस, बड़ी समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और अंग्रेजों की नेविगेशन पावर बहुत ताकतवर है, लेकिन अंततः वो दुपक कर छुपक कर किसी तरह से मेडागास्कर होते हुए अंततः कुछ बीच में जापानी नौसेना ने भी उनकी मदद की, और अंततः धीरे धीरे कुलनाके वो कहां पहुंचते हैं? वो जून 1943 में वो टोक्यो पहुंचे। कहां पहुंचे? टोक्यो पहुंचे। यानी कि नेताजी अब हमारे कहां आ चुके हैं? उस बैंकॉक सम्मेलन के एक्सेप्ट को, मतलब उसके निमंत्रण पत्र को स्वीकार करके इस प्रकार से जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे नेताजी का कद कितना बड़ा था कि टोक्यो में स्वयं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उनका स्वागत किया है। ध्यान रखिएगा, जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उनका स्वागत किया, अपनी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पार्लियामेंट डाइट के लोगों से उनको मिलवाया, वहां की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, तो डाइट से उनको मिलवाते हैं। और इस प्रकार से कुलनाके हर संभव कुलनाके मदद करने का आश्वासन जापान के प्रधानमंत्री तोजो के द्वारा इनको दिया गया, आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे, आप पूरी तरह से कुलनाके कहने के अपने देश की स्वतंत्रता और आजादी के लिए संघर्ष करें। तो इस तरह से कुलनाके जून 1943 में टोक्यो में पहुंच चुके हैं, और उसके बाद कुलनाके कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नेताजी को अब लगा कि अब मुझे किसी भी कीमत पर कहां पहुंचना चाहिए, तो अब वो बैंकॉक पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब बैंकॉक पहुंचने का मूड बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नेताजी अब 2 जुलाई, आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा 2 जुलाई को, तो इस तरह से नेताजी अब कुलनाके कहने के निश्चित रूप से 2 जुलाई को कहां पहुंचेंगे? वहां बैंकॉक नहीं, सिंगापुर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? सिंगापुर में। अब जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो सिंगापुर पहुंचेंगे, और सिंगापुर पहुंचने के पश्चात रास बिहारी बोस जो थे वो टोक्यो से उनके साथ लग गए थे। यानी रास जब वो टोक्यो पहुंचे थे जून में 1900
1943 में, तो इस प्रकार से 1943 में तो कुल मिलाकर कहने के रास बिहारी बोस भी टोकियो पहुंचे और वहां से इनके साथ आते हैं, और वहां से साथ आने के पश्चात अंततः वो सिंगापुर पहुंचते हैं, और सिंगापुर पहुंचने के पश्चात अब रास बिहारी बोस के कहने पर INA और प्लस IIL, ध्यान रख लेना, इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये दोनों संगठनों का कुल मिला के चीफ किसको बना दिया गया? नेताजी को बना दिया गया। इस तरह से सिंगापुर में आप थोड़ा समझिएगा कि सिंगापुर के कैथे हॉल में एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मीटिंग होती है, बहुत से भारतीय लोग शामिल होते हैं, और इसी कैथे हॉल में 2 जुलाई 1943 को नेताजी को कुल मिला के INA और IIL, इन दोनों संगठनों का चीफ बना दिया जाता है, और यहीं पर INA का नाम अंततः कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज कर दिया जाता है, और यहीं पर कुल मिला के नेताजी ने अपने कहने के सैनिकों को बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, और यहीं पर कुल मिला के उनको नारा दिया दिल्ली चलो। इस प्रकार से अब हमें दिल्ली चलना चाहिए, तो दिल्ली चलो का नारा अपने सैनिकों को कुल मिला के दे रहे हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग देखिए कि जुलाई 1943 तक की बात आ गई है, जुलाई 1943 के बाद आ गई, तो अब थोड़ा सा हम लोग और जाएं, क्योंकि अब कुल मिला के आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति वही बन गए हैं सुभाष चंद्र बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रधान सेनापति बन गए हैं। तो जब आजाद हिंद फौज का गठन हो गया, तो आजाद हिंद फौज का मैंने अभी कहा कि नारा दिया गया दिल्ली चलो, तो आजाद हिंद फौज की कुल मिला के 3 ब्रिगेड तो पहले बनाई गई, एक गांधी ब्रिगेड है। देखिए आप जिन लोगों ने नेताजी को देश से बाहर निकालने के लिए क्या क्या काम नहीं किया, उन्हीं लोगों के नाम पर नेताजी ने उनको सम्मान देने के लिए गांधी ब्रिगेड बनाई है, नेहरू ब्रिगेड बनाई है, अपने नाम पर सुभाष ब्रिगेड बनी, और महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इसको ना के आजाद हिंद फौज में भाग ले रही हैं। बारे मेरे हिंदुस्तान की नारियों, कहीं ना कहीं प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास अगर पढ़ लिया जाए, तो हिंदुस्तान की महिलाओं का बहुत बड़ा रोल हिंदुस्तान की आजादी में भी रहा है। मैं कभी पढ़ाऊंगा भारत में महिलाओं का क्रांतिकारी इतिहास बहुत जबरदस्त रहा है। आज आजाद हिंद फौज में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महाराज अपने कुल मिला के शरीर के जितने भी कुल मिला के आभूषण थे, उन्होंने जेवर आभूषण सब जो है आजाद हिंद फौज को दान दे दिया इस देश की आजादी के लिए। मैं नमन करता हूं उन भारतीय नारियों का जिन्होंने मेरे देश की आजादी में सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि कहीं कहीं लक्ष्मीबाई के नाम पर अंततः एक लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी बन रही है, 3 पुरुषों की और 4थी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी बन रही है, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया। तो इस प्रकार से कहीं कहीं लक्ष्मी स्वामीनाथन के चीफ हैं, तो आजाद हिंद फौज की कमांड बन गई। आजाद हिंद फौज में बड़े पैमाने पर सैनिक भर्ती हो गए, लगभग कहा जाता है कि 60,000 की सेना आजाद हिंद फौज में तैयार हो गई, 60,000, जबरदस्त ट्रेनिंग, क्योंकि हिंदुस्तान पर कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आक्रमण करके अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था कि 1940 के दशक के बाद हिंदुस्तान के कांग्रेस के नेताओं में सिर्फ और सिर्फ पद के लालच के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। मैं पीएम बनूंगा, लेकिन एक व्यक्ति जो वास्तव में हिंदुस्तान का रियल हीरो था, जिसे वास्तव में प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, वो कुछ लोगों के कुछ चक्रों के कारण हिंदुस्तान की सरहद के बाहर चला गया। वो सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के देश की आजादी के लिए कुल मिला के विदेशी धरती पर रहकर संघर्ष कर रहा है। वो किसी पद और प्रतिष्ठा का भूखा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ पद चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि हमारा वास्तविक हीरो तो कहीं ना कहीं सुभाष बाबू हैं, हमारे रियल हीरो तो सुभाष बाबू हैं, और देश की आजादी की अगर वास्तव में कह सकते हैं कि कहीं कहीं निश्चित रूप से निर्माता कह सकते हैं, तो उनका नाम कुल मिला के सुभाष चंद्र बोस है। उनकी आजाद हिंद फौज है, वो 26,000 सेनानी हैं जो शहादत कर गए इस देश की आजादी के लिए। मैं अभी आने वाला हूं, मैंने अभी आपको कहा कि कहीं कहीं निश्चित रूप से इस तरह से 60,000 सेना इस समय तैयार हो चुकी है, और सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय 21 अक्टूबर थोड़ा ध्यान रखिएगा डेट सब ध्यान देते जाइए 21 अक्टूबर 1943 को इसी सिंगापुर में आप ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में वही कैथे हॉल फिर आएगा। इसी कैथे हॉल में भारत की पहली अस्थायी सरकार का निर्माण किया था, भारत की पहली अस्थायी सरकार जिसके सुप्रीमो हमारे सुभाष बाबू बने। यानी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में कैथे हॉल में भारत की पहली सरकार का गठन हो चुका है।
यानी भारत की एक सरकार बन चुकी है, उसके सुप्रीमो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है सुभाष बाबू हैं, उसमें कैबिनेट है जिसमें सभी धर्म और जाति के लोगों को बराबर कहीं ना कहीं उसमें जो है महत्व दिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए इस सरकार को उस समय के 9 ताकतवर देशों ने मान्यता दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इसी 21 अक्टूबर 1943 को सरकार बन गई थी तो 15 अगस्त 1947 को अलग से सरकार बनाने की जरूरत क्या थी? 21 अक्टूबर को जिस सरकार को 9 देशों ने मान्यता दे दिया था उसमें जर्मनी है, जापान है, इटली है, बर्मा है, चीन का एक हिस्सा वाला जो 3 सरकारें चीन में चल वो है, फिलीपींस है, थाईलैंड है। इस प्रकार से 9 देशों ने कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए इस सरकार को मान्यता दी है। 21 अक्टूबर 1943 को सरकार की कुलना के 21 अक्टूबर को घोषणा हुई। अब इस सरकार का काम क्या है? अब इस सरकार की पहली घोषणा क्या है? पहली घोषणा 25 अक्टूबर को सरकार ने कर दिया कि हमें इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, यानी इस अस्थाई सरकार की जो 21 अक्टूबर को सरकार बनी है इसकी पहली घोषणा यही है। कब घोषणा है? 25 अक्टूबर 1943 को। क्या घोषणा है? कि हमें अमेरिका और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना है। युद्ध की घोषणा हो गई। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी 1944 में नेताजी ने IIL का मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग प्लस आजाद हिंद फौज यानी INA और प्लस और क्या है, एक और संगठन सरकार है अस्थाई सरकार, यानी जनवरी 1944 में इस प्रकार से सुभाष बाबू ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग INA की कुलना की आजाद हिंद फौज की जो मेन कमान है वो और साथ में अस्थाई सरकार का मुख्यालय अब रंगून में बना दिया। कहां बना दिया? अब रंगून बन चुका है, यानी सिंगापुर की जगह अब रंगून जनवरी 1944 में अब मुख्यालय हमारा कहां बन गया? रंगून बन जाता है। इसीलिए आप देखते होगे रंगून पढ़ते रहते होगे। म्यांमार में कुलना के रंगून में जब सुभाष चंद्र बोस गए थे तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो बहादुर शाह जफर की मजार पर भी गए। बहादुर शाह जफर की मजार पर गए, वही अंतिम महामुगल सम्राट जिसके शरीर में, जिसके दिल में एक दर्द है, उसको लगा था कि मैं अपनी सरजमी पर ही कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दफन हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। तब उसने अपनी मजार पर लिखवाया कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। आज कुल ना के कहना चाहता हूं कि नेताजी वहां पर भी जाते हैं। इस प्रकार से रंगून कहीं ना कहीं बन गया मुख्यालय। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि कुल ना के आजाद हिंद अस्थाई सरकार जो बनी हुई उसकी पहली घोषणा क्या है? 25 अक्टूबर 1943 पहली घोषणा क्या है कि अमेरिका और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा। और युद्ध की घोषणा के तहत अंततः कुल मिलाकर आजाद हिंद फौज ने क्या सोचा कि जापानियों के सहयोग से अब हमको कैसे भारत में प्रवेश करना है, तो भारत के पूर्वी हिस्से से प्रवेश करना है। इस तरह से कहां पूर्वी हिस्से से? म्यांमार होते हुए, बर्मा होते हुए, यानी कि हमें म्यांमार बर्मा होते हुए भारत में प्रवेश करना है, इम्फाल कोहिमा होते हुए नॉर्थ ईस्ट से ऐसे हम भारत में घुसेंगे। ये प्लान बन चुका है। इस प्रकार से आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा समझने की जरूरत है। इस प्रकार से इस सरकार ने इसको एक थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है ऑपरेशन यू है कि जो आजाद हिंद फौज है वह और प्लस जापानी सेना ने मिलकर जिस स्ट्रेटजी के तहत, जिस रणनीति के तहत भारत पर हमले करने की जो रणनीति बनाई है उसको ऑपरेशन यू के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी क्या कहा कि आजाद हिंद फौज की सेना प्लस जापानियों की सेना मिलकर जिस रणनीति के तहत भारत पर हमला करेगी। भारत पर हमला क्यों करेगी? क्योंकि अंग्रेजों को भगाना है, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए जिस रणनीति के तहत भारत पर हमला करेगी उसको ऑपरेशन यू के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से मैंने कहा कि म्यांमार से कुल मिलाकर हमला करने की प्लानिंग हुई कि हम लोग म्यांमार यानी बर्मा, म्यांमार से कुल मिलाकर भारत में प्रवेश करने की बात हुई और अंततः जापानी सेना आजाद हिंद फौज को लेकर आगे बढ़ती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप देखिए घटनाक्रम कितना बदलता जा रहा है। अंततः कुल मिलाकर इसी समय अराकान को जीत लिया गया। अराकान पर कुल मिलाकर आजाद हिंद फौज का कब्जा हो गया। और थोड़ा सा इस विषय को ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जापानियों ने पहले से ही अंडमान और निकोबार पर कब्जा कर रखा है, तो जब अंडमान निकोबार पर कब्जा कर रखा है तो जब हमारी सरकार बन चुकी है तो सरकार को कोई क्षेत्र मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से अंडमान
और दूसरा है निकोबार। ये निकोबार जापान ने किसको दे दिया? आजाद हिंद फौज को दे दिया कि आप अपनी सरकार का यहां गठन करें। इस तरह से सरकार तो गठित हो गई लेकिन सरकार का कोई क्षेत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अंडमान और निकोबार में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के तिरंगे को फहराया गया और उसको अपना अंग्रेज मुक्त क्षेत्र घोषित करके वहां स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। और इसी अंडमान का नाम शहीद द्वीप, क्या नाम सुभाष बाबू ने रख दिया? शहीद द्वीप रखा गया। इसका नाम अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। इस प्रकार से शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप दो द्वीप का नाम बदल दिया जाता अंडमान निकोबार का और अंततः वहीं पर एक क्षेत्र आजाद हिंद फौज को मिलता है, उस सरकार को मिलता है, वहीं पर भारत के तिरंगे को फहराया जाता है और अंततः अंग्रेजी मुक्त क्षेत्र उसको घोषित किया जाता है। क्लियर। अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि अराकान पर इस प्रकार से कुन्ना के कहीं कहीं कब्जा हो जाता है। अराकान से धीरे धीरे अब हम लोग अंदर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि म्यांमार के रास्ते भारत में आना है। और इस प्रकार से इम्फाल में बड़ी भीषण लड़ाई होती है अंग्रेजी सेना और आजाद हिंद फौज के बीच में। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे इम्फाल को भी जीत लेते हैं और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मणिपुर में आ जाते हैं। और मणिपुर में कुन्ना के एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है मोरांग। इस प्रकार से इस मोरांग को कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज ने जीत लिया। अप्रैल 1944 की बात है। इस प्रकार से अप्रैल 1944 में मोरांग को जीत लिया जाता है और मोरांग में हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को फहरा दिया जाता है। इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल 44 में कुन्ना के आजाद हिंद फौज की सेनाएं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं बड़ी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से आगे बढ़िए। देखिए मैंने क्या कहा कि इस प्रकार से अराकान में घुसते हैं। अराकान में घुसने के पश्चात अंततः इधर मोरांग की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं प्रवेश करते जा रहे हैं और मोरांग को जीतने के पश्चात वहां स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को लगा दिया गया। कर्नल मलिक को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। कर्नल मलिक इस प्रकार से आजाद हिंद फौज के कर्नल हैं। इन मलिक को कुन्ना के मोरांग का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। इसी समय आपको घटना बताना चाहता हूं कि मौसम खराब बहुत ज्यादा हो गया, स्थितियां धीरे धीरे विषम होती जा रही थी और इसीलिए कुन्ना के हमारी आजाद हिंद फौज अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। मोरांग तक हमारा डेरा डला हुआ है। इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि सुभाष बाबू अंततः 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से, क्योंकि रंगून अब हमारा सेंटर बन चुका है मैंने अभी बताया, तो रंगून रेडियो स्टेशन से अंततः कुन्ना के भारत के लोगों को संबोधित करते हैं। वह संबोधन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। 6 जुलाई 1944 को अंततः कुन्ना के सुभाष बाबू ने रंगून रेडियो से कहीं ना कहीं संबोधन किया और कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शब्द, अभी मैं कहूंगा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित करने वाला अगर कोई है तो सुभाष चंद्र बोस हैं। बास सुभाष बाबू आपका हृदय कितना विशाल है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं आपने इतना सम्मान दिया। इस प्रकार से राष्ट्रपिता शब्द से कहीं ना कहीं संबोधित किया जाता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इसी समय भारतीय जनमानस से भी कहीं ना कहीं सुभाष बाबू ने निश्चित रूप से उनको संबोधित किया है। उन्होंने यहां पर कहा गांधी जी से कि गांधी जी जिस पावन युद्ध की तैयारी मैं कर रहा हूं और जिस पावन युद्ध के लिए या इस पवित्र युद्ध के माध्यम से मैं देश को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहता हूं उसमें मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए हे राष्ट्रपिता। इस प्रकार से संबोधन होता है। सुभाष चंद्र बोस बाद में हिंदुस्तान के जनमानस को भी संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए यहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया जो भारत के इतिहास में अमर हो जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि आप लोग मुझे अगर सहयोग करोगे तभी मैं देश की आजादी के लिए संघर्ष कर सकूंगा। आपको मालूम होना चाहिए यह संबोधन हिंदुस्तान के लोगों के दिलों के अंदर चला गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने अभी कहा कि हिंदुस्तान का हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म का व्यक्ति इस समय आजाद हिंद फौज के पीछे खड़ा है। भले आजाद हिंद फौज कुन्ना के रंगून में, म्यांमार में, मोरांग में लड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान का जो 34 करोड़ कहीं ना कहीं व्यक्ति है वो पूरी तरह से आजाद हिंद फौज के लिए जी रहा है और मर रहा है। यहां के जितने भी लोग थे, महिलाएं थी, मैंने अभी कहा अपने आभूषण उतार कर रंगून कहीं ना कहीं भेज दिया, यहां तक आजाद हिंद फौज को दान में दिया। यहां के जितने भी इंडस्ट्रीज थे, उद्योगपति थे, उन्होंने मदद
मदद किया, फिल्मी सितारों ने मदद किया, आम जनमानस ने मदद किया, हिंदू और मुसलमान सब ने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करके आज आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की सेना के लिए खड़े हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सुभाष बाबू देश की आजादी के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, बंबई के तांगे वाले, कहीं ना कहीं जो तांगा चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके सुभाष बाबू को भेजा है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लोगों ने इस आजाद हिंद फौज के लिए जो यूनिटी दिखाई, जो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से त्याग और समर्पण दिया, वो भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि इसका बड़ा, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा हिंदुस्तान के जनमानस पर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वास्तव में हिंदुस्तान का जनमानस निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज किसी भी नेता के पीछे खड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आजाद हिंद फौज और उनके सेनानी और उनके सेनापति सुभाष चंद्र बोस के पीछे खड़ा है। मैं थोड़ा और आगे आपको ले जाना चाहता हूं। इस प्रकार से 6 जुलाई 1944 को एक घटना होती है, रंगून रेडियो स्टेशन से अनाउंस होता है और धीरे धीरे कुन्ना के हमारी सेनाएं अब आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए यहां पर सेनाएं रुकी हुई हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि इसमें स्थितियां थोड़ी इसलिए विषम हो चुकी हैं क्योंकि विश्व युद्ध है और स्थितियां थोड़ी विषम इसलिए हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब जापानियों का पलड़ा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जो जापान पूरी ताकत के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए ब्रिटेन के ऊपर हावी हो रहा था, और वो जापान ही स्वयं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थोड़ा कमजोर साबित होता जा रहा था, और हम जापानियों के बल पर ही कहीं ना कहीं युद्ध को जीतना चाह रहे थे। इसी समय एक घटना घटित हो जाती है, आपको बताना चाहता हूं कि 6 अगस्त 1945 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, और 9 अगस्त 1945 को अंततः कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ने इस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंक दिया। अमेरिका ने सभी मानवता को तार तार कर दिया और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम फेंक देता है। 10 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि उसके दो जो इंपॉर्टेंट शहर थे नष्ट हो गए, लोग लाखों की तादाद में मारे गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 अगस्त को जैसे ही आत्मसमर्पण जापानियों ने किया है, इसके बाद भी नेताजी अपने उत्साह को या अपने कहीं कहीं साहस को कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी से पूछा कि अब क्या होगा, तब कहीं ना कहीं नेताजी ने यहां पर एक बात कही है कि जापान का युद्ध समाप्त हुआ है, हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमारा युद्ध चलता रहेगा। इसीलिए कुन्ना के नेताजी को लगा कि अब मुझे किसी भी कीमत पर किसी बाहरी अन्य क्षेत्र में मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि जापान कुन्ना की स्थिति उसकी खराब हो चुकी है। और आपको बताना चाहता हूं इस घटनाक्रम के पश्चात कहीं ना कहीं नेताजी अभी टोक्यो जाना चाह रहे थे, ऐसा कहा जाता है। वो मदद कहां लेंगे, वो रूस से मदद लेंगे, कहां लेंगे, ये तो कुन्ना के आगे जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा कि व्हाट हैपन टू नेताजी, आखिर नेताजी गए तो गए कहां, नेताजी क्या लापता हो गए, नेताजी क्या विमान क्रैश में गए, जैसा कि कुन्ना के प्रोपोगंडा रचा गया है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन आज में कुन्ना के समय अभाव है, मैं यही कहना चाहता हूं कि नेताजी टोक्यो जाना चाहते थे, अंततः वो विमान में चढ़े और विमान जो है ताइवान के पास, ताइवान जिसको हम फार्मोसा भी कहते हैं, फार्मोसा के पास एक कुन्ना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हेलीपैड था जिसका नाम है ताइफोकू उसका नाम है। इस प्रकार से इस ताइफोकू को ना के कहीं ना कहीं इस हेलीपैड से उड़ते हैं और कहते हैं कुछ दूरी पर ही जाकर इनका विमान क्रैश हो गया। ऐसा इतिहास में आता है कि 18 अगस्त 1945 को अंततः कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सुभाष बाबू का इसी ताइवान के पास फार्मोसा द्वीप के पास अंततः ताइफोकू हवाई अड्डे के पास कुल मिलाकर विमान क्रैश हो जाता है और अंततः सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ लोगों अपने इस आधार पर कहते हैं कि सुभाष बाबू, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अस्पष्ट चीज है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सुभाष बाबू की डेथ हुई तो जापान के कुल मिला के रैंकोजी मंदिर में, जो टोक्यो के रैंकोजी मंदिर है, उसमें सुभाष बाबू की अस्थियां हैं और आज उनकी कहीं ना कहीं पत्नी भी हैं, उनकी पुत्री भी हैं अनिता बोस, आखिर डीएनए जांच करा लिया जाता, दूध का दूध पानी का पानी होता, लेकिन कहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं यह कहना चाहता हूं इस प्रकार से सुभाष बाबू लापता हो गए, और जब सुभाष बाबू लापता हो गए तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सेनापति ही गायब है तो सेना का क्या होगा। अंततः ब्रिटिशर्स ने इस आजाद हिंद फौज के सेनानियों को पकड़ना शुरू कर दिया
और ब्रिटिश ने जब आजाद फौज के सेनानियों को पकड़ना शुरू कर दिया, तो मैं आपको एक जगह ले लाना चाहता हूं, कलकत्ता का नीलगंज। इस स्थान को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पूरी तरह से जो है इतिहास में दबा दिया गया। अरे बेईमानो, कहीं ना कहीं इस बात को समझो कि कलकत्ता के नीलगंज को आखिर तुमने क्यों इतिहास के पन्नों से हटाया। कलकत्ता के नीलगंज में हजारों कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज के सेनानियों को ले जाया गया। यह 25 सितंबर 1945 की घटना है, मैं आपको कहना चाहता हूं। 25 सितंबर 1945 को इस 25 सितंबर 1945 को इस प्रकार से कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल के नीलगंज में कुल नाके हजारों आजाद हिंद फौज के सेनानियों को ले जाया जाता है। उनको रात को यातना दी जाती है और यातना देकर गोलियों से मार दिया जाता है, छलनी कर दिया जाता है और नदी और नाले में ले जाकर बहा दिया जाता है। मैं कह सकता हूं कि 13 अप्रैल 1919 को अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब के अंदर, तो बंगाल में कुल मिला के नीलगंज का हत्याकांड उससे कम नहीं है। इसको इतिहास के पन्नों से क्यों उड़ाया गया? इतिहास को कुल मिला के सुधारना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जवाब मांगा जाएगा कि इन हजारों आजाद हिंद फौज के सेनानियों जो नीलगंज गए थे उनका क्या हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से कहीं की नीलगंज का इतिहास बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो निश्चित रूप से आगे आपसे जोड़ा जाएगा। और ये मैं कहना चाहता हूं कि ये घटना आपको जानना जरूरी है। आजाद हिंद फौज के सेनानी पकड़े गए, उसके जो 3 कमांडर थे, एक का नाम था मेजर शाहनवाज खां, दूसरा का नाम है कर्नल प्रेम सहगल, पीके सहगल, और तीसरे का नाम है कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। इस प्रकार से तीनों 3 धर्म से हैं। गुरुबख्श सिंह ढिल्लो सिख हैं, शाहनवाज खान साहब मुस्लिम हैं और प्रेम सहगल हिंदू हैं। हजारों कुलना के सेनानियों के साथ इन तीनों कुलना के कहने के निश्चित रूप से अधिकारियों को लाल किले में मुकदमा चला। इसमें हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल है। आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर जो मुकदमा चल रहा था, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को मैं बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान का युवा हो, हिंदुस्तान का किसान हो, हिंदुस्तान का मजदूर हो, हिंदुस्तान का आम जनमानस हो, हिंदुस्तान की महिलाओं हो, हिंदुस्तान का मुसलमान हो, हिंदुस्तान का हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इस समय कहीं कहीं बढ़ चढ़कर इन आजाद हिंद फौज के सेनानियों के पीछे खड़े हैं। इस समय हिंदुस्तान के लोग जाग चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बचाव पक्ष के जो वकील थे उनका नाम भूला भाई देसाई है, अरुणा असफली है, तेज बहादुर सप्रू है, ये कैलाशनाथ कारजू है, जेएल नेहरू है, लेकिन बचाव पक्ष के मुख्य जो कहीं ना कहीं वकील थे उनका नाम भूला भाई देसाई था। बहुत लंबी कुलना के दिल्ली के लाल किले के अंदर बहस चली, लेकिन अंततः इन तीनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। शाहनवाज खां, पीके सहगल, गुरुपक्ष सिंह ढिल्लो को मृत्यु दंड। इसी समय हिंदुस्तान के लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा, हिंदुस्तान के लोगों की एक आवाज निकल गई कि लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। जब यह नारा पूरे देश में गुंजायमान हो गया, लॉर्ड वेवेल जो हिंदुस्तान का वायसराय था अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है और अंततः तीनों को कुलना के बरी कर दिया जाता है। यह हिंदुस्तान की ताकत है, यह आजाद हिंद फौज की ताकत है, यह सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान को जगा दिया यह ताकत है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से तीनों को कुलना के बरी कर दिया जाता है और इस तरह से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आजाद हिंद फौज के इतिहास में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत की आजादी में इस आजाद हिंद फौज के सेनानियों का और सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। हमें पढ़ाया गया बचपन से ही कि दे दी आजादी तूने खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर बिना खड्ग और बिना ढाल की आजादी मिली तो आजाद हिंद फौज के 26,000 सेनानी शहीद हो गए, इनका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। आप ये हिंदुस्तान के इतिहास को आप उठाकर भी देखिए, वासुदेव बलवंत फड़के से लेकर 1947 तक 7,32,000 रिकॉर्डेड लोग इस देश के नाम पर शहीद हुए और आजाद हिंद फौज के तो 26,000 जवान शहीद हो गए। और हमें पढ़ाया गया कि दे दी आजादी तूने खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वाह साहब वाह, अगर ये इतिहास है तो हमें तो ये इतिहास ज्यादा अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से आजाद हिंद फौज के 26,000 सेनानियों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को अपने खून से सींचा है और मैं कह सकता हूं कि हम उनकी शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे।
प्रण करते हैं कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में लहू का एक भी कतरा बाकी है भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप लोग देश के जज्बे के साथ जिए और उसी जज्बे के साथ मरें, अपने लक्ष्य को हासिल करते रहें। आजाद हिंद फौज पर मैं आज यहीं तक अपने आप को रोकूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आगे एक नया वीडियो में लेकर आऊंगा, आप लोग खूब मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिए। जीवन में कभी उदास मत होइए, क्योंकि उदासी का कोई मतलब नहीं है। जीवन में कभी उदास नहीं होते, असफलता से कभी निराश नहीं होते। अरे हाथ की लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।